स्वागत है आज की वीडियो में। आज छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, पूछ रहे हैं कि पावर सप्लाई कैसे रिप्लेस करें SRP की। जो डेकोरेटर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, टेक्नीशियन तो कर लेते हैं, उनको पता रहता है, लेकिन डेकोरेटर्स जो घर पे करते हैं, पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिपेयर तो नहीं कर पाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आता है कि कनेक्शन कैसे करें कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ओल्ड सप्लाई है जो कनेक्शन आप निकालते हैं कि उसका मोबाइल में फ़ोटो आप निकाल के रख लें कि कौन सी वायर कहाँ थी। बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ था, कौन से कनेक्शन कहाँ पे लगा हुआ था, आपको मिलता नहीं है। तो आप उसका फ़ोटो निकाल कर रख लें। और देखिए, सप्लाई इंस्टॉल करते समय ये SRP की पावर सप्लाई है, अलग अलग आती है, कनेक्शन थोड़े से चेंजेज रहते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम होने लगता है। तो आप इसको केयरफुली करें। और सबसे पहले तो मेंस आप लगा लीजिए। मेंस में न्यूट्रल फेज यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है NL और FG, तो न्यूट्रल फेज आप दो कनेक्शन करना है, और जो FG लिखा है वो अर्थ है। ये नहीं भी लगाएंगे आप तो चलेगा, सब जगह अर्थ मिलता नहीं है आपको SRP को देने के लिए, लेकिन अगर मिल जाए तो अर्थ देना चाहिए, कनेक्शन तो करना ही पड़ेगा आपको। न्यूट्रल फेज किसी तरफ भी लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये अर्थ का कनेक्शन है FG, वहाँ पर अर्थ दे। तीन कलर की वायर लगी रहती है, कभी कभी आप देखेंगे तो ब्राउन, ब्लैक और येलो लगा रहता है, या ग्रीन लगा रहता है। तो ग्रीन, येलो ये सब अर्थ के लिए रहता है। आप कंफ्यूज होते हैं तो उसको चेक कर लें, थर्ड पिन से जो अर्थ के लिए पिन रहता है उसे चेक कर लें। दूसरा सेकेंडरी का कनेक्शन रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरफ लगा हुआ है। इसमें आप देखिए सेंटर पिन ग्राउंड रहता है, राइट साइड 36 रहता है, कभी कभी 12 रहता है। यही सप्लाई आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अगर सेम टू सेम सप्लाई आप डालते हैं तो भी कभी उल्टा कनेक्शन रहा तो आपका डैमेज हो जाएगा। तो 36 के जगह पर 36 ही आना चाहिए, 12 की जगह पर 12 आना चाहिए। इस पर V1 V2 जो वोल्टेज लिखा है उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप एक बार मीटर से कंफर्म जरूर करें, कभी कभी ये प्रिंट गलत हो सकता है, ये गलती कभी ना करें। पावर सप्लाई रिप्लेस करते समय आप ज़रूर इसको चेक करें। ये कनेक्शन है, कभी कभी फ़ैन के लिए रहते हैं, लेकिन ये यूज़ होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो इसका छोड़ दीजिए। आप कनेक्टर है या ऐसा लगाना है, लगा हुआ है पहले, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। और एक सप्लाई है इसमें 380, बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई, इग्नेटर के लिए कनेक्शन जाता है। यहाँ पर मार्किंग देखिए, प्लस और माइनस का मार्किंग बना रहता है इसको, तो ये एक बार आप देख लें। कभी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ये कनेक्टर जो वाइट आता है उल्टा लग जाता है, तो आपकी सप्लाई कनेक्टर जब आप जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो आप पुरानी सप्लाई से इसको कंपेयर कर लें कि हम लगा रहे हैं वो प्लस प्लस पे और माइनस माइनस पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसको देख के केयरफुली आप कनेक्ट करें, गलती ना करें इसको इंस्टॉल करने में, बहुत ध्यानपूर्वक इसको इंस्टॉल करें, नहीं तो आपका SRP डैमेज हो सकता है, मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, इग्निटर का डैमेज हो सकता है, तो आप बहुत ध्यान दें, या पावर सप्लाई भी डैमेज हो सकती है। इसके इंस्टॉलेशन में ये आप ध्यान देकर के ही बहुत ही सावधानी से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।